नमस्कार मित्रों, आज के तीसरे शेफ सेशन में आपका स्वागत है। सक्सेस माइंडसेट पर हम बात कर रहे हैं, और जैसे हमने देखा कि पहले हिस्से में हमने देखा गोल, स्मार्ट गोल के बारे में, दूसरा हमने देखा बिलीफ सिस्टम के बारे में थोड़ा, लेकिन रोज। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट। देखिए, जिंदगी में बहुत से लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, और बहुत कुछ ही लोग टॉप पर पहुँचते हैं। इसके पीछे शोध किया गया। कैरोल ड्रेक नाम की एक महिला थी, एक टीचर थी, जिन्होंने 30 साल तक बच्चों का अभ्यास किया, अलग अलग स्टूडेंट्स का, ग्रुप का उन्होंने स्टडी किया, और अपनी ज़िंदगी के 30 साल देने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। और निष्कर्ष ये निकला, अगर कुछ लोग अगर कहीं पे अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, इसका मतलब उनका माइंड सेट अब फिक्स माइंड सेट हो गया है। यानी कभी तो उन्होंने कुछ चीज़ों पर अचीवमेंट किया था, कभी तो भी बचपन में कोई चीज़ें उन्होंने हासिल कर ली थी, और उसके बाद वो रुक गए, यानी वो फिक्स माइंड सेट पर आ गए। दूसरा जो है ग्रोथ माइंडसेट आदमी जो रहता है, ये जो स्टूडेंट हिस्ट्री के लोग होते हैं वो है ग्रोथ माइंडसेट। अब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं मित्रों, ये ग्रुप के जो कैटेगरी के लोग होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। इनका माइंडसेट हमेशा ग्रोथ की तरफ रहता है, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। इन्होंने एक सीढ़ी को क्रॉस किया तो लगे दूसरे सीढ़ी पर चले जाते, तीसरे सीढ़ी पर चले जाते, चौथे पे, पाँचवें पे, छठे पे, और ऐसे करते करते वो आगे बढ़ते हैं मित्रों। इस तरह से वो ग्रोथ माइंडसेट के द्वारा आगे बढ़ते रहते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले का एक दिमाग में बैठ जाता है, ऐसे ग्रुप के लोगों का रहता है कि मैं ऐसा हूं तो ऐसे ही हूं, और मैं ऐसा नहीं हूं तो मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता हूं साहब, मैं ऐसे ही हूं, यानी मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूं, बस हो गया, जितना मुझसे करना था, जितना मुझे हासिल करना था, मैं रुक गया। साहब, ग्रोथ माइंडसेट वाला ऐसा नहीं सोचता है, वो सोचता अगर मैं ऐसा नहीं हूं तो मैं वैसा बन सकता हूं, मेरे में अगर ये एबिलिटी नहीं है, ये योग्यता नहीं है, तो मैं ये योग्यता किसी मेंटर के पास जाके, कहीं पर वीडियो में जाकर, कहीं शिक्षा क्लास में जाकर, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाकर, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर मैं आत्मसात कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ। 2019 में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। मैं चाहता तो वहाँ पर रुक सकता था साहब, लेकिन मैं रुका नहीं, आगे बढ़ते गए और यहाँ तक हम पहुँच गए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम यहाँ पर भी हम रुके नहीं हैं साहब, इसके बाद भी हमारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और भी बनने जा रहा है। 15 रिकॉर्ड के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सब। दिस इज़ कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोथ माइंडसेट। मेरे करियर की शुरुआत में आईटीआई से किया था, आईटीआई पढ़ के मैं अपना कहीं पर भी जॉब लेकर अपनी ज़िंदगी यापन कर सकता था, लेकिन नहीं साहब, हम रुके नहीं, हम डिप्लोमा किए, डिग्री किए, एमटेक किए, पीएचडी किए, आगे बढ़ते गए साहब। ग्रोथ माइंडसेट। आज आपको अपनी ज़िंदगी में जो बनना चाहते हैं, जो आपने पहले दिन माइंडसेट सेट किया था, जो आपने बिहेवियर चेंज किया था, जो आपने विश्वास अपने अंदर लेकर आए थे, आज हम बात कर रहे हैं आपको फिक्स माइंडसेट से बाहर निकलना है, ये पैटर्न से बाहर निकलना है, 80% वालों से निकल के 20% में आना है, जो है ग्रोथ माइंडसेट। आपको ग्रोथ माइंडसेट पर फोकस करना है। ग्रोथ माइंडसेट यानी रोज़ सीखते रहना है, रोज़ सीखने, अगर ये मुझे नहीं आता है तो मैं सीख के दिखाऊंगा, मुझे अगर नहीं आता तो मैं सीख कर दिखाऊंगा, मुझे नहीं समझता है तो मैं सीख कर दिखाऊंगा, लेकिन मैं रोज़ सीखूंगा। आपको सीखना है साहब, आपको बढ़ना है आगे, आपको चलना है आगे, और जब आप करेंगे तो पहुंचेंगे, जब आप करेंगे तो पहुंचेंगे, जब आप नहीं करेंगे तो नहीं पहुंचेंगे साहब, जब आप करेंगे तो पहुंचेंगे। तो रोज़ आपको क्या करना है, फिक्स माइंडसेट से बाहर निकल कर देखना है कि अभी मेरा माइंडसेट कौन सा है, मैंने ये अचीवमेंट कर लिया है, तो अपने आप को एनालाइज कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा, बुक निकालिएगा, डायरी निकालिएगा, और देखिए कि मैंने तो अभी ये चीज़ कर लिया, अब मैं आगे कैसे जा सकता हूँ, यहाँ तक तो आ गया, मेरे को आगे बढ़ना है साहब, मुझे GROW रोज़ मुझे ग्रो होना है, मुझे रोज़ ग्रो होना है, और रोज़ ग्रो होने के लिए मुझे क्या करना है। आप देखते थे हमारे पास, पहले हम लोग बिना माइक की बात करते थे, फिर वायर वाला हमने माइक लिया, फिर हमने वो वायरलेस लिया, और आज कंडेंसर माइक हमारे सामने है। ये क्या है मित्रों, ये भी तो ग्रोथ माइंडसेट का ही कमाल है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही है, इंसान पहले गुफाओं में रहता था, लेकिन अगर उसका फिक्स माइंडसेट रहता तो गुफाओं तक ही सीमित रहता, कभी वो इतने अपार्टमेंट जैसी बड़ी संस्थाओं में नहीं आता, कभी वो 165 महलों पर नहीं पहुँच पाता, कभी वो चांद पर नहीं पहुँच पाता। इंसान चांद पर पहुँचा, इसका मतलब ग्रोथ माइंडसेट था साहब। लेकिन ये विटंबना है कि 20% लोग हमारे समाज में, केवल 20% लोग हैं जो ग्रोथ माइंडसेट पर है, बाकी सारे के सारे लोग जो है फिक्स माइंडसेट पर पहुंच गए। निकलिए बाहर, पुरस्कार मिले ना मिले आविष्कार रोज़ चलते रहना चाहिए साहब, पुरस्कार मिले ना मिले आविष्कार रोज़ चलते रहना, रोज़ आविष्कार करना है साहब, रोज़ आगे बढ़ना है, रोज़ कुछ नया करना है, तभी आप आगे जाएंगे ज़िंदगी में। तो ये काम आज से शुरू कर दीजिएगा, फिक्स माइंडसेट से निकल के ग्रोथ माइंडसेट, जितना जल्दी आ सकते उतना जल्दी आइएगा। अगर आपको पता है कि मैं फिक्स माइंडसेट पे आ गया हूँ, तो पहला काम है कि जल्दी से बाहर निकलिए, एक मेंटर को पकड़िएगा, एक अच्छे फ्रेंड को पकड़िएगा, किताबें पढ़िएगा, नोटबुक पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, फिल्म देखिएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन जल्दी से फिक्स माइंडसेट से निकल के ग्रोथ माइंडसेट पर आना है। जैसे आप अपना माइंडसेट चेंज करते ना साहब, लाइफ चेंज हो जाती है, लाइफ सेट हो जाती है। तो आज के लिए मित्रों मैं यही बताना चाहता हूँ, जाते जाते आज का होमवर्क आपको दे रहा हूँ, अपने आप अपना इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा,
डायरी और पेन लेकर बैठिएगा और देखिए मैं कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में मैं ग्रोथ माइंडसेट में नहीं हूँ, मैं केवल फिक्स माइंडसेट में जुड़ा हूँ, और जल्दी से वहाँ पे निकलिएगा। अगर हेल्थ में अगर आप रुक गए तो जल्दी से ग्रोथ माइंडसेट पे आ जाइएगा। पैसे के बारे में रुक गए तो जल्दी से ग्रोथ माइंडसेट पर आइएगा। एजुकेशन में आप रुक गए तो जल्दी से ग्रोथ माइंडसेट पर आइएगा। बिजनेस को अगर रोक दिया आपने, जल्दी से ग्रोथ माइंडसेट पर आइएगा। रिलेशन में अगर आप रुक गए हैं तो जल्दी से ग्रोथ माइंडसेट पर आइएगा। लगा के भूल जाने से पेड़ भी सूख जाते हैं, लगा के भूल जाने से मित्रों पेड़ भी सूख जाते हैं। तो रोज़ आपको पानी डालते रहना है, रोज़ गमले में पानी डालते रहना है। आपके रिलेशन में रोज़ आपको बातचीत चालू रखना है, रोज़ बातचीत चालू रखना है, रोज़ हाय हेलो चलते रहना है, रोज़ ग्रो करते रहना है मित्रों, तभी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। तो ये होमवर्क शुरू कर दीजिएगा। कहीं पर अगर किसी से मन मुटाव हुआ है तो जल्दी से फ़ोन रखिएगा और फ़ोन लगाकर उससे बात कर लीजिएगा। ये वीडियो रखकर उसे फ़ोन लगाइए जिससे आप बहुत दिनों से आपने बात नहीं किया, जल्दी से बात कीजिए। यही समय है साहब, पता नहीं फिर कब बात कर पाएंगे, लेकिन आज ही का समय है। ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट हो जाइएगा, बटन दबाइए, शिफ्ट हो जाइएगा और आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार।